और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात हम पश्चिम बंगाल की करेंगे। पश्चिम बंगाल दौरे के दूसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य की जनता से सोनार बांग्ला बनाने के वादे पर जोर दिया। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले अमित शाह ने बीरभूम में भव्य रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया। बोलपुर में बीजेपी के रोड शो में वंदे मातरम के साथ साथ जय श्री राम के नारे भी गूंजे। खुद अमित शाह ने जय श्री राम के नारे लगाए। और रोड शो से पहले अगर बात करें तो हनुमान मंदिर गए, शांति निकेतन गए, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को नमन किया, याद किया और बताया कि किस रूप में उन्होंने न सिर्फ बंगाल को एकजुट किया बल्कि भारत के लिए भी बड़ा संदेश दिया। तो लगातार जिस तरीके से आज दो दिन का ये दौरा अमित शाह की तरफ से किया गया, भारी भीड़ देखकर अमित शाह खुद भी काफी गदगद दिखाई दिए और जिस तरीके से उन्होंने माँ माटी मानुष की बात की और जिस तरह से उन्हें सोनार बांग्ला के बात कही और ये भी कह दिया वहाँ मौजूद बंगालियों की पश्चिम बंगाल के लोगों की भीड़ देख कर कि ये एक परिवर्तन की लहर है, ये परिवर्तन की शुरुआत है और ममता बनर्जी का नाम लिए बगैर उन्होंने ये कह दिया कि बहुत बड़ा बदलाव आगे आने वाले चुनाव में होने वाला है। तो वहीं आपको बता दें कि कल उन्होंने मिदनापुर में किसान के घर भोजन किया था तो आज उन्होंने बीरभूम में बाउल गायक के घर खाना खाया। रोड शो में शक्ति प्रदर्शन के साथ ही उन्होंने ममता बनर्जी को अल्टीमेटम भी दे डाला। गृह मंत्री अमित शाह का ये उद्घोष पश्चिम बंगाल में परिवर्तन के लिए है। पश्चिम बंगाल दौरे के दूसरे दिन भी अमित शाह ने जय श्री राम के नारे के साथ राज्य की जनता का जोश बढ़ाया। साथ ही साथ राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अल्टीमेटम भी दे डाला। अमित शाह ने आज बीरभूम के बोलपुर में मेगा रोड शो किया। इस रोड शो में बीजेपी समर्थकों की भारी भीड़ जुटी। इस दौरान बीजेपी समर्थकों का उत्साह देखने लायक था। जहां कभी शंखनाद किया गया तो कभी जय श्री राम के नारों से बोलपुर गूंज उठा। इतना ही नहीं, रोड शो में वंदे मातरम की धुन भी सुनाई दी जिसे पश्चिम बंगाल के ही कवि बंकिम चंद चटर्जी ने लिखा है। एक किलोमीटर का यह रोड शो आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन था। रोड शो के खत्म होते ही गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया कि राज्य की जनता इस बार पूरी तरह से परिवर्तन के मूड में है। बंगाल की जनता परिवर्तन करना चाहती है। ये परिवर्तन कोई एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बदलने का परिवर्तन नहीं है। तृणमूल कांग्रेस की सरकार की जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की कवायद नहीं है। परिवर्तन जो होने जा रहा है बंगाल में, ये बंगाल के विकास के लिए परिवर्तन है। बंगाल को आगे बढ़ाना। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष रहते हुए मैंने ढेर सारे रोड शो देखे हैं, करे हैं और ढेर सारे रोड शो को आयोजित भी किया है। मगर आज कहना चाहता हूं कि आज के जैसा रोड शो मैंने मेरे जीवन में नहीं।
भोलापुर में ममता बनर्जी को अपनी ताकत दिखाने से पहले अमित शाह बजरंग बली के दरबार में जाना नहीं भूले। रोड शो से पहले अमित शाह ने हनुमान मंदिर में पूजा पाठ की। कुल मिलाकर दो दिवसीय दौरे के दौरान अमित शाह ने ममता बनर्जी के सामने विधानसभा चुनाव से पहले की झांकी पेश करने की कोशिश की। एक तरफ तो उन्होंने ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ हुंकार भरी, तो दूसरी तरफ राज्य की जनता से सोनार बांग्ला का वादा भी किया। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि शाह के बांग्ला व्यू से बीजेपी के सोनार बांग्ला का सपना पूरा होता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।